गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आज लेक्चर एक्सचेंज है। अभी आपका फिजिक्स होगा और 3 से 4:30 आपका केमिस्ट्री होगा, ठीक है? तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने कल फिनिश किया था क्या, डिफरेंशिएशन। आज उसके आगे हम लोग करेंगे। कुछ डाउट आया है किसी के पास, किसी प्रॉब्लम में, किसी चीज में डाउट आया हो तो पूछ सकते हो डिफरेंशिएशन से रिलेटेड, बोलो। आगे बढ़ जाऊं मैं फिर, किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ तो मैं ये मान लूं कि अब डिफरेंशिएशन में किसी को कुछ दिक्कत नहीं आएगा आगे, हाँ? कोई मेरे पास ये बोलने नहीं आएगा कि सर मुझे डिफरेंशिएशन नहीं आती है, ऐसे वाले क्वेश्चन हमसे नहीं बनते हैं, नहीं बोलोगे ना, हाँ? कॉन्फिडेंस आया आप लोगों को, ठीक है? चलो आज हम लोग करेंगे इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन बेसिकली अपन इंटीग्रेशन को क्या बोलते हैं, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन बोलते हैं। जिसको डिफरेंशिएशन करने आ गया है ना, उसको इंटीग्रेशन भी समझ में आएगा, या फिर आप दूसरे शब्दों में बोल सकते हो कि जिसको डिफरेंशिएशन नहीं आएगा वो इंटीग्रेशन नहीं कर पाएगा, है ना बेटा? ठीक है, तो चूंकि हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा, अच्छे से पढ़ा, तो अब हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं, ठीक है? तो डिफरेंशिएशन क्या करते थे बेटा, किसी एक फंक्शन का करते थे। इंटीग्रेशन भी क्या होता है, किसी एक फंक्शन का होता है, समझ गए? तो मान लो है ना, वाई बराबर क्या है, एफ ऑफ एक्स, क्या मतलब हुआ इसका, y इज अ फंक्शन ऑफ x। अगर मुझे इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, तो उसका सिंबल क्या होता है बेटा, सिंबल है ना, ये इसका सिंबल होता है, किसका कर रहे हो बेटा, फंक्शन का। कौन सा फंक्शन है, y, किसके, y किसका फंक्शन है, x का, तो किसके रिस्पेक्ट में करोगे, x के रिस्पेक्ट में, ठीक है? तो कैसे पढ़ते हैं इसको, इंटीग्रेशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना, ऐसा हम लोग इसको पढ़ते हैं, अंडरस्टूड? अब हम लोग क्या करेंगे बच्चे, जैसा हम लोगों ने डिफरेंशिएशन के लिए कुछ रूल्स पढ़े थे, वैसे ही कुछ सिंपल रूल्स इंटीग्रेशन के भी हैं, उसको अपन सीख जाएंगे तो कोई भी इंटीग्रेशन हम सॉल्व कर सकते हैं, ओके ना, ठीक है? तो रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन। अच्छा, इसके पहले मैं ये बता दूं कि इंटीग्रेशन जो है ना वो दो टाइप के होते हैं, ठीक है? इंटीग्रेशन दो टाइप के होते हैं, बताओ कौन कौन से। एक जो है वो होता है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, और एक होता है डेफिनिट, ठीक है? आ रही बात समझ में, इनडेफिनिट और डेफिनिट। अच्छा, क्या मतलब हुआ इनडेफिनिट और डेफिनिट का, यहां समझो। अगर मान लो है ना, y क्या है, फंक्शन ऑफ x है, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा y बराबर 4x+3, ठीक है? तो यहां पर से हमें दिख रहा है कि y और x के बीच में जो रिलेशन है उसको हम क्या कर सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं, बना सकते हैं कि नहीं बताओ, ठीक है? तो ये किस चीज का ग्राफ दिख रहा है बेटा, बताओ, ऐसा ग्राफ किसके लिए बनता है, जल्दी बोलो बेटे, ऐसा ग्राफ किसके लिए बनता है, y और x के बीच में ग्राफ कैसा बनेगा, नहीं पढ़ा ग्राफ, कुछ भी याद नहीं है आपको, स्ट्रेट लाइन बनेगा, है ना? तो ऐसा अलग अलग फंक्शन रहेगा, उसका अलग अलग क्या होगा, ग्राफ बनेगा, ऑब्वियस सी बात है, समझ गए? तो मान लो बेटे कि कहीं पर है ना मेरा ग्राफ कुछ इस तरीके से बना, ठीक है? मैं इसके लिए नहीं बोल रहा हूँ, कोई भी ग्राफ, किसी भी शेप का ग्राफ हो सकता है, है ना? अभी मान लो कि ग्राफ हमारा ऐसा हुआ, आया हुआ है, तो ये मान लो हमने y एक्सिस लिया है और ये हमारा x एक्सिस है, तो आपको क्या दिख रहा है बेटा, y की वैल्यू लगातार क्या हो रही है, चेंज हो रही है, x बदल रहे हैं, y बदल रहा है, तो अगर मैं एक छोटा सा यहाँ पर एलिमेंट काट लेता हूँ ऐसा, ठीक है? तो यहाँ पर x में जो चेंज है, सपोज क्या हुआ, dx हुआ, ठीक है? तो हमने क्या देखा बेटा, जैसे जैसे x बदलता है y क्या होता है, बदलता है। यहाँ पर ये dx हालांकि आपको बड़ा दिख रहा है, लेकिन ये क्या है, बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा, कितना छोटा, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल। dx का मतलब क्या हो जाता है, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल, अनंत रूप से छोटा, बहुत छोटा है, इतना छोटा कि आप इसको सही से देख भी नहीं सकते, समझ गए क्या? तो ऐसे सिचुएशन में है ना, ये जो है
वो ऑलमोस्ट क्या दिखेगा आपको, कांस्टेंट दिखेगा, ठीक है। वाई की जो वैल्यू है वो क्या दिखेगी, कांस्टेंट दिखेगी। वाई बदल रहा है लेकिन एक छोटे छोटे से ड्यूरेशन के लिए, छोटे से इंटरवल के लिए क्या दिखेगा आपको, वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट दिखेगा। आ रही क्या बात समझ में? तो ये मान लो इस समय क्या है बेटा, वाई है और ये हमारा क्या है, डी एक्स है। तो ये क्या हुआ, एक एलिमेंट कटा। क्या कटा, एलिमेंट जिसका शेप आपको कैसा दिख रहा है, इस तरीके का, ठीक। तो इस चीज को अगर मैं बाहर कर लूं बेटे ऐसा, ठीक है, तो ये शेप आपको किस टाइप का दिख रहा है, रेक्टेंगल दिख रहा है ना बेटा, जिसकी चौड़ाई कितनी है देखो, डी एक्स, और लंबाई कितनी है बेटा, वाई। अगर मैं बोलूं कि बताओ बेटा इसका एरिया कितना होगा, तो क्या बोलोगे, वाई इंटू डी एक्स। समझ गए क्या, वाई इंटू डी एक्स। तो ये चूंकि छोटा सा एक एलिमेंट बनाया, तो ये जो एरिया है वो भी क्या होगा, छोटा सा होगा, वाई डी एक्स। आया क्या समझ में, ठीक। तो देखो ये जब हम वाई डी एक्स किए है ना, वाई डी एक्स, तो बेसिकली हमने क्या किया, उसका एरिया निकाला, निकाला ना। अब बेटा ऐसे ऐसे बहुत सारे हम क्या कर सकते हैं, एलिमेंट्स बना सकते हैं, यहाँ भी बना सकते हैं, यहाँ भी बना सकते हैं, है ना, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स बना सकते हैं। तो कहाँ से कहाँ तक बना सकते हैं, अगर ये चीज हमें पता हो, अगर हमें ये चीज पता हो कि हमें कहां से कहां तक लेना है, x की वैल्यू कहां से कहां तक लेनी है, समझ रहे हो, आ रही बात समझ में। अगर हमें ये पता है कि x की वैल्यू कहां से कहां तक लेनी है, तो ये क्या हो गया, श्योर हो गए ना हम, शर्टेन हो गए, डेफिनेट हो गए कि हाँ भाई हमें इस चीज को कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है। अगर आपको लिमिट पता होता है ना कि कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है, तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा, डेफिनिट इंटीग्रेशन कहते हैं। और अगर हमें नहीं पता होता है कि कहां से कहां तक, यानी लिमिट अगर हमें नहीं पता होता है, तो उसको अपन इनडेफिनिट इंटीग्रेशन कहते हैं। नहीं समझा बेटे, अच्छे से समझा क्या, ओके अंडरस्टूड। अगर हमें लिमिट पता होगा तो दैट इज डेफिनिट, अगर हमें लिमिट नहीं पता होगा दैट इज इनडेफिनिट। समझ गए क्या, तो डेफिनिट क्या हुआ बेटा, लिमिट इज नोन, और इसमें क्या हो जाएगा बेटा, लिमिट इज नॉट नोन। समझ गए बेटे, आ गई बात समझ में। तो अगर लिमिट नोन है, ठीक है, लिमिट अगर नोन है तो इसमें अपने को किसी कांस्टेंट को जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। नो आर्बिट्ररी कांस्टेंट इज रिक्वायर्ड, यहां पर हमें किसी आर्बिट्ररी कांस्टेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। लेकिन इनडेफिनिट में जब हमें लिमिट नहीं पता होता है, तो यहां पर क्या होता है, हमें एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट जोड़ने की जरूरत होती है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट इज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो ये डिफरेंस है इनडेफिनिट और डेफिनिट इंटीग्रेशन में, अंडरस्टूड, आई बात समझ में। आया क्या समझ में बेटा, यहां तक की बात। अब मुझे एक चीज बताओ, जब हमने ये चीज किया वाई डी एक्स, तो हमें क्या हुआ, सिर्फ इस ये जो पट्टी बन रही है, ये जो लिमिट एलिमेंट बन रहा है, सिर्फ उसका क्या मिला, एरिया मिला। अगर मुझे यहां से लेकर के यहां तक पूरा एरिया चाहिए, तो हमें ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट्स को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। एडिशन के लिए आप क्लास 10th तक ऐसा सिंबल यूज करते होंगे, देखो याद है क्या करे थे हम लोग, समेशन बोलते थे, समेशन बोलते थे। तो इसमें क्या होता था, बड़ी बड़ी चीजों को ऐड करते, मतलब कंसिडरेबल चीजें होती थी। अभी क्या है, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, मतलब ये जो डिफरेंसेस है डी डी एक्स, ये क्या है, एलिमेंट बहुत छोटा, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल एलिमेंट्स हैं, उनको हमें क्या करना है, ऐड करना है, सम करना है, समेशन करना है। तो इस समेशन का ही दूसरा तरीका है इंटीग्रेशन। जब आप इंटीग्रेट करते हो तो बेसिकली क्या कर रहे होते हो, ऐड ही कर रहे होते हो, ठीक है। तो जब मुझे यहां से लेकर के यहां तक सारे लिमिट्स को, सारे इसको एलिमेंट्स को ऐड करना है, तो हम क्या करते हैं बेटा, इसका इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है। तो जब हम इंटीग्रेशन वाई डी एक्स कर रहे हैं, ठीक है, बात समझ में आ रही है, तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे वाई डी एक्स को ऐड कर रहे हैं।
अब अगर हमें यहां पर लिमिट पता है कि x कहां से कहां तक, तो ये हो जाएगा डेफिनिट, और अगर ये चीज नहीं पता है तो ये हो जाएगा इनडेफिनिट। अंडरस्टूड? तो हम लोग पहले इनडेफिनिट की बात करेंगे, देन वी विल टॉक अबाउट डेफिनिट इंटीग्रेशन। अंडरस्टूड? ठीक है। तो जब इनडेफिनिट इंटीग्रेशन होता है जिसमें हमें लिमिट नहीं पता होता है, तो यहां हमने क्या लिखा है कि आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट इज रिक्वायर्ड। आर्बिट्रेरी मतलब क्या होता है बेटा? स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से हम एक कॉन्स्टेंट सॉल्व करने के बाद एक प्लस सी कर दिया करेंगे। समझ गए क्या? ठीक है, तो चलो बात करते हैं बेटा। तो जैसे हमने डिफरेंशिएशन के कुछ रूल्स पढ़े थे, वैसे ही इंटीग्रेशन के भी कुछ रूल्स होते हैं। ओके, उसको हमें लर्न करना है, रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन। रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन, रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन। पहला, ओके, फर्स्ट जो है बेटा वो है, कहते हैं हम लोग इसको कॉन्स्टेंट रूल। ठीक है, क्या? कॉन्स्टेंट रूल। इफ y बराबर कोई कॉन्स्टेंट हो बेटा k, ठीक है, कॉन्स्टेंट, अगेन आप क्लियर होना क्या होता है कॉन्स्टेंट? जिसकी वैल्यू बदलती नहीं है, चाहे वो कभी नहीं बदलती हो या उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर वो चीज क्या हो, कॉन्स्टेंट हो। समझ गए क्या? तो y बराबर अगर कोई कॉन्स्टेंट हो तो इंटीग्रेशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x कितना होगा बेटा? जो भी कॉन्स्टेंट टर्म रहेगा उसको लिखना है k, है ना, और किसके साथ इंटीग्रेशन कर रहे हो? x के साथ, तो इंटू x। समझ गए क्या? यहां पर हमने लिमिट नहीं लिखा है ना, लिमिट नहीं लगाया है ना, तो ये कौन सा वाला हो गया बेटा? इनडेफिनिट हो गया। अपनी मर्जी से एक आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट लगा दिया c। समझ गए? तो ये हो गया बेटा इसका इंटीग्रेशन। नहीं समझा ना? हाँ ना, कुछ बोलोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। तो y बराबर अगर मान लो बेटा 5 कॉन्स्टेंट हुआ कि नहीं, देन इंटीग्रेशन y dx क्या हो जाएगा बेटा? कॉन्स्टेंट को मैंने क्या बोला था, आ जाएगा इसके साथ किए हो, x के साथ, तो x हो जाएगा और साथ में क्या लग जाएगा? c। अच्छे से समझा बेटा, कोई दिक्कत? अगर मैंने लिखा y बराबर कैपिटल g, कॉन्स्टेंट होता है, कैपिटल g कॉन्स्टेंट होता है, मैं बोला कि इसको करो y dr, क्या मतलब हुआ, इसको क्या पढ़ूंगा बेटा, जल्दी बोलो। इंटीग्रेशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू r, तो क्या रूल है बेटा? कॉन्स्टेंट आ जाएगा और उसके साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, जिसके साथ आपने इंटीग्रेशन किया है, तो जी आर, है ना बेटे, और लिमिट नहीं लगाया है ना हमने, तो प्लस सी। अच्छे से समझा बच्चे? ओके, तो पहला रूल क्लियर है क्या आपको, कि और कराऊं इसके ऊपर, आगे बढ़ जाऊं? तो दिस इज कॉन्स्टेंट रूल। सेकेंड इज पावर रूल। पावर रूल, तो इसमें क्या कहता है, इफ y equals to x raised to n, then integration y dx, इसमें क्या होता है बेटा, पावर जो है एक ऐड हो जाता है, समझ गए, और ये होल टर्म यहां पर डिवाइड हो जाता है, तो x raised to n plus 1 upon n plus 1, क्या पावर को एक ऐड करना है, ऐड करने के बाद जो पावर मिलेगा उसको नीचे में डिवाइड कर देना है, अगर हमने लिमिट नहीं लगाया है तो साथ में आएगा प्लस सी। अंडरस्टूड ना? एग्जांपल लेंगे, अगर मान लो y बराबर है 5x, बता दो बेटा क्या हो जाएगा, देन इंटीग्रेशन y dx, या सिर्फ x है, चलो क्या हो जाएगा बेटा, पावर कितना है इसके ऊपर, पावर कितना है इसके ऊपर, इसमें क्या करूंगा, प्लस वन करूंगा और इस होल पावर को
तो x का 2 बाय 2 हो गया, लिमिट यूज नहीं करा है, क्या होगा समझ रहे हो? बोलो, इफ y बराबर x क्यूब देन, जल्दी बोलो, x का 3 प्लस 1 4 बटा 4 है ना, साथ में c, अंडरस्टूड ना? और कराऊं कि आगे बढ़ूं? सबको समझ में आया पक्का? तो ये रूल नंबर 2 भी समझ में आया, ठीक। आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 3, इसको क्या कहते हैं बेटा, कोफिशिएंट रूल, कोफिशिएंट रूल है ना, जैसा वहां पे था डिफरेंशिएशन के केस में, अगर y बराबर कोई कोफिशिएंट हो बेटा, है ना, कोई कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाइड होता है उसको हम क्या कहते हैं, कोफिशिएंट कहते हैं, और फंक्शन हो, ठीक। तो अपन क्या करेंगे बेटा, इसको इंटीग्रेट करते वक्त कोफिशिएंट को एज इट इज रखेंगे, इंटीग्रेशन किसका करेंगे, फंक्शन का करेंगे, है ना, समझ गए? और साथ में क्या लगाएंगे, प्लस सी, नहीं समझ आ रहा है ना, बोलो भाई। तो क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल के तौर पर हमने लिया वाई बराबर 5x raised to 4, ठीक है, 5x raised to 4, बताओ क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन y dx, मैंने क्या बोला बेटा, ये क्या चीज है, कोफिशियंट है, उसको एज इट इज रखना है और x raised to 4 को इंटीग्रेट करना है, क्या रूल है, हमने क्या पढ़ा है, x raised to पावर 1 बढ़ जाता है, 5 हो गया और वो 5 नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो ये और ये संपला हो गया, x raised to 5 हो गया, साथ में अपन क्या लगा लेंगे बेटा, प्लस c, तो इंटीग्रेशन y dx इस कंडीशन में x raised to 5 प्लस c हो गया, इजी। तो ये तीनों रूल हमें अच्छे से समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ रूल, एडिशन सब्ट्रैक्शन, इफ y इक्वल टू u प्लस माइनस v, वेयर u क्या है बेटा, x का फंक्शन, v क्या है बेटा, f का फंक्शन, तो अल्टीमेटली y किसका फंक्शन हुआ, बोलो, वो भी x का फंक्शन हुआ, तो किसके साथ इंटीग्रेट होगा, y x के साथ इंटीग्रेट होगा, करना क्या है आपको, इंडिविजुअली इसको इंटीग्रेट करना है, पहले u को करेंगे x के साथ, प्लस रहेगा तो प्लस लगाएंगे, माइनस रहेगा तो माइनस लगाएंगे, फिर सेकेंड टर्म को इंटीग्रेट करेंगे, इजी, समझा ना? एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल y बराबर हमने लिया 2x प्लस 5, ठीक, इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक, देन इंटीग्रेशन y dx करते वक्त 2x को सेपरेट प्लस 5 को सेपरेट, 2x का क्या हो जाएगा बेटा, 2 एज इट इज, x का क्या, अपॉन प्लस, इसमें कौन सा रूल लगेगा, 5x, समझा ना, ये 2 कैंसिल हुआ, x स्क्वायर यहाँ पर लिमिट नहीं है तो प्लस c, तो x स्क्वायर प्लस 5x प्लस c, दिस इज इंटीग्रेशन y dx इन दिस केस, अच्छे से समझा, कोई टेंशन नहीं है, समझ आया कि, और एग्जांपल्स लो इसके, आगे बढ़ जाऊं, वेरी गुड। इसमें देखो ये चार रूल ही सफिशियंट है आपके लिए, इतना ही सफिशियंट है, मैथ्स में बहुत पढ़ना पड़ता है, अपने को इससे ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ती है, समझ गए? अब देखो इसके अलावा अपन, इसके अलावा कुछ चीजों की जो इंटीग्रेशन होती है उसको अपना, अपने को सीधा सीधा याद रखना पड़ता है ना, जैसा डिफरेंशिएशन कुछ चीजों का याद करते थे, ठीक है,
तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा भाई, तो इसको कैसे याद रखने का, कॉस का क्या था, माइनस साइन था, तो साइन का क्या हो जाएगा, माइनस कॉस हो जाएगा, तो माइनस कॉस एक्स, लिमिट नहीं है तो सी, समझा ना। इंटीग्रेशन कॉस एक्स डीएक्स, साइन का क्या था कॉस, तो कॉस का क्या हो जाएगा बेटा, साइन एक्स। इंटीग्रेशन वो है इनडेफिनिट है तो सी हो गया। इंटीग्रेशन कॉसिक स्क्वायर एक्स डीएक्स, तो बेटा कॉट एक्स का क्या होता था, माइनस कॉसिक स्क्वायर एक्स, तो कॉसिक स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस कॉट एक्स। ठीक, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स, टेन एक्स का क्या होता था, सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा, टेन एक्स। अंडरस्टूड। इंटीग्रेशन लॉग एक्स का क्या होता था बेटा, वन बाय एक्स, तो वन बाय एक्स का क्या हो जाएगा, लॉग एक्स, यानी एल एन एक्स, सी सी सी, समझ गए। और इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स डी एक्स क्या होगा बताओ, ई रेस टू एक्स प्लस सी, इतना आपको क्या करना है, याद रखना है। ओके, अब जैसा कि मैंने बोला कि इंटीग्रेशन क्या होता है, दो टाइप का होता है, एक इनडेफिनिट, इनडेफिनिट में अपने को लिमिट रखने की जरूरत ही नहीं पड़ती है ना, और दूसरा होता है डेफिनिट, जिसमें लिमिट रखने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो हम लिमिट वाले यानी डेफिनिट वाले इंटीग्रेशन को कैसे करेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोलते हैं कि इफ वाई बराबर एक्स प्लस फोर, then find integration y dx from x equal to 0 to x equal to 1, ऐसा लिखा है, तो क्या मतलब हुआ इसका, तो हमें लिमिट दिया हुआ है बेटा, इसको क्या कहते हैं, लोअर लिमिट, और इसको क्या कहते हैं, अपर लिमिट। ठीक है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे बेटा, तो क्या करना है अपने को, इंटीग्रेशन करना है y डी x का, समझ गए बेटा, कहां से कहां तक, 0 टू 1, ऐसे करके हम लिमिट रखेंगे। तो देखो y बराबर क्या था आपके पास, x प्लस 4 इंटू डी एक्स 0 से 1, कौन सा रूल लगेगा बेटा, यहां पे दो टर्म क्या है, एडेड है, तो आप क्या करोगे, उनको सेपरेट सेपरेट करोगे, तो इंटीग्रेशन x का करोगे dx के साथ और फिर 4 का करोगे dx के साथ, है ना, कहां से कहां बेटा, 0 से 1, 0 से 1, तो बताओ x का क्या हो जाएगा, x square, समझ गए, x square by 2, लिमिट कहां से कहां, 0 से 1, प्लस इसका क्या हो जाएगा बेटा, 4x, शाबाश, कहां से कहां तक, 0 से 1। अब लिमिट कैसे रखते बेटा, कौन वेरिएबल था, x ना, तो x के बदले इनको रखना है ना, x की वैल्यू है ना 0 और 1, ठीक है, तो x के बदले पहले क्या रख लोगे, अपर, तो रखो x जहां है वहां पर रख दो, अपॉन 2, फिर माइनस लिखने का, अब जहां x है वहां क्या रखने का, 0 रखने का, तो 0 का स्क्वायर बाय 2, समझ गए, फिर प्लस 4 x की जगह 1, माइनस 4 x की जगह 0, समझा कि नहीं, तो ये 0 और ये 0, क्या बचा बेटा, 1 बाई 2 प्लस 4, कितना हो गया बेटा, 4 दुना 8 एक 9 बटा 2, 4.5। तो जब अपन डेफिनिट इंटीग्रेशन करते हैं, लिमिट हमें पता होती है
तो हमारे पास क्या होता है, ऑलरेडी एक एग्जैक्ट वैल्यू मिलती है ना, इसमें कुछ भी इनडेफिनिट नहीं रहता। समझ में आया ना आपको, क्लियर है मेरी बात? तो इस तरीके से आपको लिमिट रखना होता है। ओके, डन, आगे बढ़ूं। एक आप करोगे एग्जाम्पल, इफ वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9, देन फाइंड इंटीग्रेशन वाई डीएक्स फ्रॉम एक्स इक्वल टू 1 टू एक्स इक्वल टू 2। चलो करो तो बेटा। सबका आया बेटे, कितना आया बोलो? नहीं बोलोगे? हाँ, मन में छुपा के रखने का, ये सब बातें बताने की थोड़ी होती है, ये सब छुपा के रखने की होती है कि नहीं? पासवर्ड है ना तुम्हारे अकाउंट का, किसको पता चल जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, फ्रॉड हो जाएगा तुम्हारे साथ। शाबाश, ये सब बातें कभी किसी को नहीं बताने का। चलो तो इंटीग्रेशन वाई डी एक्स, यही मैं भी सोचूं तो कुछ ना बोलूं, एक क्लास ऐसे पढ़ा के दिखाऊं क्या, कुछ बोलूं ही नहीं, कितना मजा आएगा सोचो। मैं ऐसा कर सकता हूँ, पूरा क्लास बिना बोले पढ़ा सकता हूँ, जैसा तुम लोग पूरा क्लास बिना बोले बैठ जाते हो ना, ऐसा मैं भी कर सकता हूँ। सोचो उस दिन कितना मजा आएगा तुमको, इडियट। ठीक है, इंटीग्रेशन वाई डी एक्स करना है, कहाँ से कहाँ तक करना है, 1 to 2 करना है, समझ गए? तो बताओ एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब बाय 3 प्लस लिमिट 1 to 2। तो क्या हो गया बेटा, एक्स क्यूब बाय 3 प्लस 2x² प्लस 9x, 1 to 2। समझ गए? एक बार क्या रखूंगा, जहां जहां एक्स है वहां 2 रखूंगा, ठीक? तो ये 2 का क्यूब बाई 3 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 2, ठीक? अब माइनस, अब जहां जहां एक्स है वहां पर 1 लिखूंगा, ठीक है? तो 1 का क्यूब बाई 3 प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 1। समझ गए? तो 2 चौके 8, 2 दूनी 4 दूनी 8 बट्टा 3 प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 9 दूना 18 माइनस 1/3 प्लस 2 प्लस 9। सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको, है ना? तो ये हो गया 18 और 8 26 हो गया, 26 तिया कितना हो गया, 26 तिया 20, 78 हुआ क्या? हाँ, 78 प्लस 8 86, 86/3 माइनस
नौ दो ग्यारह तीन तैतीस एक चौंतीस बटा तीन है, तो कितना हो गया बावन, 52 बटा 3 कटेगा क्या है? नहीं नहीं कटेगा, ठीक है। तो ये आ गया तुम्हारा 52/3, जो ठीक है, समझ गए क्या? एग्जैक्टली नहीं कट रहा ना। तो इस तरीके से हमें क्या मिल जाता है, परफेक्ट वैल्यू मिल जाता है। आई क्या बात समझ में? अच्छे से समझा? ओके क्लियर है ना? चलो मिटा डालूं इसको। अब हम लोग इसका क्या सीखेंगे, एप्लीकेशन सीखेंगे कि इसका क्या यूज है। ओके लिखो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। पहला लिखना बेटा फर्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका यूज है फर्स्ट, फर्स्ट एप्लीकेशन है टू फाइंड एरिया अंडर द कर्व। कोई कर्व दिया हुआ है यानी कोई ग्राफ दिया हुआ है और उस ग्राफ के नीचे का एरिया अगर फाइंड करना है तो वी कैन यूज द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। समझ गए क्या? वी कैन यूज द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। हाउ? तो जैसा मैंने अभी आपको दिखाया था है ना, क्या दिखाया था बेटा, क्या आया था एरिया, इंटीग्रेशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स वन टू एक्स टू है ना, दिस इज द फॉर्मूला। आई बात समझ में? अब y आपको कुछ गिवन रहेगा, वो y आपको इसमें रखना है, जहां से जहां तक इंटीग्रेट करने बोलेगा वो इंटीग्रेट करना है और आ जाएगा अपना। समझ में आया क्या? तो एक हो गया कि एरिया फाइंड करने के लिए, ठीक। कैसे एग्जांपल्स देंगे बेटा, जैसे कि आपको बोलेगा कि इफ y बराबर 4x प्लस 6, आपको क्लियर दिख रहा है ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। y बराबर 4x प्लस 6 देन फाइंड एरिया, ठीक है, अंडर दी कर्व बिटवीन x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 2, ठीक, ऐसा दे दिया। तो हमें समझ में आता है बेटा कि एरिया कैसे निकालते हैं, है ना? बात समझ में आ रही है? हमको पता है एरिया कैसे निकालना है, बताओ कैसे निकालना है? इंटीग्रेशन y dx x1 से x2। ये y क्या है? हमारा फंक्शन है। क्या फंक्शन है बेटा? 4x plus 6, तो 4x plus 6 को इंटीग्रेट करना है। x1 हमारे लिए क्या है? 0, और x2 क्या है हमारे लिए? 2। तो बताओ 4x का क्या हो जाएगा बेटा? 4x square by 2 plus 6 का क्या? 6x। और लिमिट एक बार क्या करूंगा बोलो, ये क्या हो जाएगा 2x square plus 6x 0 to 2। एक बार जहां जहां x है 2 लिखोगे तो 2 into 2 का square plus 6 into 2, फिर माइनस लगाओगे, इस बार जहां जहां x है वहां 0 पुट करोगे, ये भी 0 ये भी 0, समझा? तो 2 दुनी 4 दुनी 8 प्लस 6 दुना 12, कितना आ गया बेटा 20। समझ गए मेरी बात? अच्छे से समझा? तो ये हो गया आपका एरिया अंडर दी कर्व निकालने का तरीका। नेक्स्ट नेक्स्ट लिखो, आप याद करो बेटा कि आपने क्या पढ़ा था, एक्स बराबर क्या होता है, सॉरी वी बराबर क्या होता है, वेलोसिटी बराबर, वेलोसिटी बराबर क्या होता है जल्दी बोलो, डीएक्स बाय dt, समझ रहे हो? तो dx बराबर क्या होगा बेटा, v dt है ना, v dt। अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, dx मतलब क्या था, dx क्या था आपका बेटा, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट टाइम, डिस्प्लेसमेंट था, आया समझ में? कितना डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, समझा ना? तो वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कितना आया,
इंटीग्रेशन ऑफ बी डी टी। आगे बात समझ में, मैंने आपको क्या समझाया, इंटीग्रेशन इज बेसिकली द मेथड ऑफ एडिशन, मेथड ऑफ समीशन, सम करने का ही एक तरीका है ना। तो जब मैं छोटे छोटे डी एक्स यानी छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट को जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा बेटा, टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, कैसे करके, इंटीग्रेशन वी डी टी करके। नहीं समझा, तो हाउ टू फाइंड डिस्प्लेसमेंट, इंटीग्रेशन ऑफ वी विथ रिस्पेक्ट टू टी। मैंने आपको बोला ना डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन उल्टा है एक दूसरे का, है ना। तो आप जब पोजीशन को या डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करते हो तो वेलोसिटी मिलता है, तो वापस वेलोसिटी को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट किया तो वेलोसिटी मिला, वेलोसिटी को वापस से इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। आई क्या बात समझ में, ठीक है। तो हमें सेकेंड जो फायदा होगा, सेकेंड टू फाइंड क्या बेटा, डिस्प्लेसमेंट, क्या हो गया, मेथड एक्स बराबर इंटीग्रेशन वी डी टी। वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम रहा, उसको आप टाइम के साथ डिफरेंश इंटीग्रेट कर दो, आपको क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। समझा ना, अरे बोलो अंडरस्टूड, एग्जांपल दो बोलो। मान लो मैं कहता हूं कि एग्जांपल, इफ v बराबर 2t प्लस 4, 2t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 6, ठीक है, 2t प्लस 4, 2t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 6, देन फाइंड इट्स डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग एक्स इक्वल सॉरी टी इक्वल टू 0 टू टी इक्वल टू 1 सेकेंड। 0 से 1 सेकेंड में ये कितना डिस्प्लेसमेंट करेगा वो पता करना है, तो क्या करूँगा बताओ, कौन बोलेगा सबसे पहले कौन बोलेगा, हाँ रखो सॉल्व करो, फाइनल आंसर बताओ। क्या हुआ गुड़िया, देखने में दिक्कत हो रहा है, नहीं दिख रहा है, चमक रहा है क्या, हाँ वही बोल रहा हूँ, 26/3 आ रहा है, बाकी किसी और का, तो बच्चे हमें पता होना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो हमको पता है इंटीग्रेशन वी डी टी करना होता है, ठीक है ना। तो x बराबर क्या हो गया, इंटीग्रेशन v कितना है बच्चे, 2t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 6 dt, कहाँ से कहाँ तक बेटे, टाइम, टाइम का फंक्शन है ना, तो टाइम का लिमिट रखें, मतलब टाइम है ना, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1 तक, ठीक है। तो बताओ 2t स्क्वायर का क्या हो जाएगा बेटा, ओह शिट, ओके क्या हो जाएगा बोलो, 2t³ बाय, अरे सब बोलो, अभी मैं कपाड़ फोड़ना चालू करूंगा तुम लोगों को, 2t³ बाय 3 प्लस 4t² बाय 2 प्लस 6t, लिमिट 0 टू 1। तो सिंपलीफाई करके क्या मिल रहा है, 2 बाय 3t³ प्लस 2t² प्लस 6t, है ना, 0 to 1। क्या चीज, x इक्वल टू, तो मैंने क्या बोला बेटा, पहले जहां जहां t है 1, तो क्या हो जाएगा, 2 बाय 3 इंटू 1 का क्यूब प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 1, फिर माइनस, अब की बार सब जगह 0, तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, पूरा क्या हो गया 0, उधर का काम ही खत्म हो गया, नहीं तो क्या बचा बेटे, 2 बाय 3 प्लस 2 प्लस 6, 2 बाय 3 प्लस 8,
आठतिया 24 तो 26, 26 बटा 3, ठीक, शाबाश आर्यन, समझ गए ना। तो इतना क्या हो गया बेटा, डिस्प्लेसमेंट हो गया, किस दौरान, 0 से 1 सेकंड के दौरान, समझ गए ना। तीसरा बोलू, थर्ड सी, हमने एक्सेलरेशन क्या पढ़ा था बेटा, एक्सेलरेशन क्या होता था, डीवी बाई डीटी पढ़ा था ना, ए बराबर क्या होता था, डीवी बाई डीटी, तो डीवी बराबर क्या होगा बेटा, ए डी टी, नहीं समझा, ए डी टी, अंडरस्टूड ना। तो बेटे अगर मैं इन दोनों साइड इंटीग्रेट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, डीवी का इंटीग्रेशन और इधर ए डी टी का इंटीग्रेशन, अच्छे से समझ में आ रहा है। तो इधर ये डीवी क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, समझ में आया, क्या आया, चेंज इन वेलोसिटी, और इधर क्या है, ए डी टी, आ रही बात समझ में। तो बेटा डी वी इज स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी, और उसको हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं, बेसिकली सम कर रहे हैं। तो जब मैं सम करूंगा बेटा तो क्या आएगा, टोटल चेंज इन वेलोसिटी, नहीं समझ आ रहा है, टोटल चेंज इन वेलोसिटी, अच्छा तो भैया टोटल चेंज इन वेलोसिटी, या फिर इसको दूसरे तरीके से ऐसे सोच सकते हैं, यहां कुछ नहीं तो क्या है बेटा, वन है ना, क्या है, वन है, तो वन क्या है, कांस्टेंट है, समझ रहे हो ना। और इनिशियल वेलोसिटी अपन क्या लिखते थे बेटा, स्मॉल यू, और फाइनल वेलोसिटी क्या लिखते थे, कैपिटल वी, है ना। तो जीरो यू से लेकर के वी तक हमने इसको क्या किया, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो बताओ इसका इंटीग्रेशन कितना बेटा, वन का इंटीग्रेशन क्या होगा, वन वन वी, समझा कि नहीं, यानी वी, नहीं समझा, के एक्स होता था ना कांस्टेंट का के, और जिसके साथ इंटीग्रेट करते थे, तो कांस्टेंट क्या है, के, और किसके साथ किया है, वी, समझ गए। तो ये आया वी, कहां से कहां तक बेटा, यू से वी तक, इक्वल्स टू क्या, इंटीग्रेशन, इधर नहीं दिख रहा होगा, क्या क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ए डी टी। तो ये आपको क्या दिया बेटा, चेंज इन वेलोसिटी, अपर लिमिट v माइनस लोअर लिमिट u, तो v माइनस u बराबर क्या मिला, इंटीग्रेशन a dt। अगर स्टार्ट हम रेस्ट से किए होते तो u जीरो होता, तो ये मुझे सीधा फाइनल वेलोसिटी देता, नहीं समझा, ठीक है। तो हमें चेंज इन वेलोसिटी भी मिल जाता है, कैसे, तो टू फाइंड चेंज इन वेलोसिटी, समझा ना बेटे, कैसे, तो v माइनस u बराबर इंटीग्रेशन a dt से, ओके, अरे बोलो, समझा। आगे बढ़ो, तो ये हुआ तुम्हारा इंटीग्रेशन के बारे में, ठीक है। अब आप प्रॉब्लम बनाना शुरू करो, ओके, देना बेटा एक सेकंड, चल प्रॉब्लम बनाएंगे हम इसका, कहां पर है भाई, पेज नंबर 8 से चालू करो, ठीक है, 0.12 एग्जांपल नंबर 0.12 से चालू कर दो, हेलो 0.12 से चालू करो,
बताओ। तो जैसे हम लोग वहां पर चेन रूल पढ़ा करते थे कहां पर डिफरेंशिएशन में, वैसा ही यहां पर भी चेन रूल पढ़ते हैं। ठीक, चलो क्या था एग्जांपल नंबर 0.13, एग्जांपल नंबर 0.13। जैसा चेन रूल आप लोग पहले पढ़ा करते थे डिफरेंशिएशन में, वैसा ही चेन रूल आपको इंटीग्रेशन में भी देखने को मिलेगा। तो अगर चेन वाले क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे? ठीक है, तो अपन ने कितने किए थे, चार रूल किए थे ना, हाँ, तो ये पांचवा चेन रूल। चेन रूल, ओके। क्या होता है चेन रूल में? फॉर एग्जांपल आपको क्या दिया हुआ है बेटा,
इसको एग्जांपल के थ्रू ही बताता हूँ। वाई बराबर क्या गिवन है, 2x + 1 raised to 3, है ना, यही है, समझ गए। तो इसको अगर मुझे क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, ध्यान से देखें, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको जैसा आप सिंपल इसका ये करते थे, क्या चीज, इंटीग्रेशन, कौन सा रूल है बेटा, ये पावर रूल है, तो क्या हो जाता था, 2x + 1 का पावर 4/4 हो जाता था, समझा क्या। अब क्या करना है, अब ये चूंकि फंक्शन के अंदर क्या है, फंक्शन है, तो इसमें चेन रूल लगेगा, वहां पर क्या करते थे बेटा, फंक्शन को डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई करते थे, यहां पर फंक्शन को डिफरेंशिएट करके डिवाइड करेंगे, सिर्फ एक ही फर्क है, समझा क्या। तो इसका डिफरेंशिएशन करके यहां रखेंगे, क्या होगा बेटा, 2x + 1 का डिफरेंशिएशन, बोलो, इसको डिफरेंशिएट करके नीचे करना है, समझ रहे हो, कितना हुआ, 2x + 1 का डिफरेंशिएशन 2 ओनली, समझ गए, तो कितना हो गया, 2x + 1 का पावर 4/8, क्या है, देखो आया समझ में, क्या कर रहा, कह रहा हूं मैं, अगर चेन रूल दिखे, मतलब चेन फंक्शन के अंदर फंक्शन दिखे, तो पहले तो उसका इंटीग्रेशन आप जैसा करते हो वैसा करोगे, और उस फंक्शन को फिर डिफरेंशिएट करके कहां रख दोगे, डिवाइड में रख दोगे, ठीक है, हो जाएगा। अब चलो ट्राई करो,
Give the next heading, integration by substitution method. Integration by substitution method. इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड. कई बार क्या होगा, जो इंटीग्रेशन के फंक्शंस होंगे वो आपको उससे मिलते जुलते नहीं मिलेंगे जो आपने रूल्स में पढ़े हैं. ठीक है, मतलब आपको वो सिंपल नहीं लगेगा. तो अपन क्या करते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा मान मान करके, लेट वेट करके, लेट वेट करके मतलब लेट मानना, LET लेट वाला, ऐसा नहीं सो जाएंगे लेट जाएंगे, वैसा वाला लेटना नहीं बोल रहा हूँ. ठीक है, तो मान करके कुछ ऐसी क्वांटिटी मानते हैं जिससे कि हमारा जो टर्म है ना वो सिंप्लीफाई होकर के कुछ ऐसा आ जाए जो हमने पढ़ रखा है, मतलब जो रूल्स पढ़े थे. हाँ, पावर रूल में आ जाए या ऐसा किसी रूल में आ जाए, है ना. तो हम किसी चीज़ को क्या कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं वहाँ पर. तो इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मैथड. ठीक है, क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन मैथड. इसको मैं एग्जाम्पल के थ्रू ही समझाऊंगा. जैसे कि आपका पहला एग्जाम्पल था y बराबर, आपने बोला 2x प्लस 1 का पावर 3, यही था ना, है ना, 2x प्लस 1 का पावर 3, सॉरी, है ना, ऐसा था. तो हमने इस तरह का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा है ना, नहीं पढ़ा है.
तो अपन क्या करेंगे, इसको मान लेंगे, एज्यूम कर लेंगे, लेट 2x + 1 बराबर क्या, समथिंग t मान लिया, क्या मान लिया, समथिंग t मान लिया, चलेगा ठीक है, अच्छे से समझा। अब मान लो बेटा, तो पहले आपको क्या करना है, मान लेना है, मान लिया। अब अगर हम क्या करें कि इसको डिफरेंशिएट करें दोनों साइड, ठीक है, क्या करूं, डिफरेंशिएट करूं किसके साथ, t के साथ, t माने हो ना, तो t के साथ क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो बताओ इसका क्या हो जाएगा बेटा, 2x का क्या हो जाएगा बेटा, बताओ x को किसके साथ कर रहे हैं, t के साथ, क्या लिखूंगा, डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू t कैसे लिखाएगा, dx/dt लिखाएगा कि नहीं, डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू t प्लस 1 का डिफरेंशिएशन कितना होगा बेटा, वेरी गुड, और t का डिफरेंशिएशन t के साथ 1, समझ गए। तो ये देखो क्या आया, 2 dx/dt बराबर 1, तो देयरफोर dx बराबर 1/2 dt, ऐसा हुआ है ना। हमें क्या करना था बेटा, इसका इंटीग्रेशन करना था, यानी y dx करना था ना, तो क्या लिखते इसको, इंटीग्रेशन y के बदले क्या लिखते, 2x + 1 का होल क्यूब dx, ऐसा लिखता ना मैं, ध्यान से देखना। तो देखो 2x + 1 को मैंने क्या माना है, t, तो उसके बदले t रख दूं, तो क्या हो गया, t क्यूब हो गया, तो इंटीग्रेशन t क्यूब इनटू dx, देखो तो कितना आया है, 1/2 dt आ रहा है ना समझ में। तो बेटे 1/2 तो कांस्टेंट टर्म है, उसको हमने बाहर लिया, तो अंदर क्या बचा, t³ dt। अब बताओ क्या देखा, देखा टर्म्स में आ गया, जैसे हमने रूल्स पढ़े थे वैसे वाले आ गए क्या, कौन सा वाला रूल में आ रहा है, ये पावर रूल में आ रहा है, क्या पढ़े थे पावर रूल में बताओ, है ना, टी का क्या हो जाएगा बेटा, 4/4, नहीं समझा, तो देखो क्या हो गया, t^4/8, t^4, टी किसको माने थे, देखो तो वापस से उस चीज को रख लेंगे, 2x + 1 का पावर 4/8, देखो वही चीज आया क्या, नहीं समझा, अच्छे से समझा, पक्का ओके। अब जैसे देखो उसका सेकंड एग्जांपल है, क्या है सेकंड एग्जांपल, y = 1/a - x है क्या, ऐसा ही है ना, y = 1/a - x है, समझ गए। तो मैं क्या करूंगा बेटा, क्या करना है मुझे, इंटीग्रेशन y dx करना है, यानी इंटीग्रेशन 1/a - x dx करना है। तो ऐसा तो अभी तक हमने कोई फॉर्मूला पढ़ा नहीं है सर, कैसे करें, तो हम लगाएंगे, क्यों इसको सब्स्टिट्यूशन बोला बेटा, तो देखो हम क्या कर रहे हैं, इसको सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, इसलिए है ना, किसी के बदले किसी को लाना मतलब सब्स्टिट्यूट करना ओके। तो यहां पर क्या करेंगे बेटा, a - x को लेट a - x = t चलेगा ना, a - x = क्या कर लिया, t। तो बेटा मैं इसको t के साथ डिफरेंशिएट करता हूं, a का a कांस्टेंट है ना, तो a का डिफरेंशिएशन 0 और x का डिफरेंशिएशन t के साथ कर रहे हैं ना बाबा, dx/dt और t का t के साथ 1, तो -dx/dt बराबर क्या आ गया बेटा 1, तो dx बराबर क्या हो गया -dt, नहीं समझा। अब देखो तो therefore इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1/a - x की जगह क्या ले लूं बेटा t और dx की जगह क्या ले लूं -dt, नहीं समझा। तो क्या हो गया -1/t dt, ये आ रहा है क्या फॉर्मूले में, कौन सा वाला फॉर्मूला है बेटा, समझ गए, 1/x dx वाला, ठीक है, क्या होता था ln x, तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा -ln t, t क्या माने थे बेटा, बोलो a - x, तो द आंसर इज -ln a - x, क्या है देखो, समझा क्या, करोगे आगे, चलो कर डन। ओके करो आगे,
डाउट नहीं आया। Thank you.